हेलो फ्रेंड्स, जीके टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फैन के साथ रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है सीखने वाले हैं। हमारे पास एक स्विच, एक रेगुलेटर और एक फ़ैन है। इसका कनेक्शन कैसे की जाएगी, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। स्विच की बात करें तो इसका काम सप्लाई को चालू बंद करने के लिए किया जाता है, और रेगुलेटर इसका उपयोग फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसका कनेक्शन करके देखते हैं। रेगुलेटर में दो वायर निकला होता है। इसके एक वायर को स्विच के आउटपुट में जोड़ देते हैं। इसका एक वायर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है और दूसरा वायर फैन वाले वायर में जोड़ देते हैं। इसका दूसरा वायर फैन के हाफ वायर में जोड़ दिया जाता है। और मेन सप्लाई स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ देते हैं। और न्यूट्रल को डायरेक्ट फैन में दे दिया जाता है। आई होप आपको समझ आया हो किस तरह रेगुलेटर के साथ फ़ैन का कनेक्शन किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।